ये चिकन करी बनाने वाले हैं। ये चिकन है लगभग 400 ग्राम। मसाला हमने सब तैयार कर रखा है, प्याज काट के रखे हुए हैं, ये धनिया और लाल मिर्च पीस के रखा हुआ है, टमाटो प्यूरी, ये हम आज रेडीमेड इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली मैं अपने नॉनवेज में घर पे पीस के बनाता हूँ, आज मैं ये यूज करूंगा। और ये है लाल मिर्च कलर वाली, कसूरी मेथी, दालचीनी, मोटी इलायची, ये दो तीन लौंग पड़ी हैं, दाल ये तेज पत्ता, काली मिर्च पिसी हुई, और ये धनिया मिर्च आपको बताई दी है। तो अभी हम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये बनाएंगे सरसों के तेल में। सरसों का तेल हमने डाल दिया, धुआं उठने से इसको गर्म होने देंगे। सबसे पहले हम इसमें मेथी डालें, उससे मेथी दाना डाला, इससे पता लग गया कि तेल भी गर्म हो गया, तो हम आग मीडियम पे कर देंगे। और इसमें प्याज कटी, प्याज देखिए, प्याज हम मिला दी है। अब हम इसमें दालचीनी, मोटी इलायची, तेज पत्ता, काली मिर्च और लाल मिर्च थोड़ा भुनने जाने पर डालेंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, देखिए प्याज ब्राउन लगभग ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ये धनिया लाल मिर्च पिसी, इसमें अभी हम इसमें ये तेज पत्ता, दालचीनी, मोटी इलायची और लौंग ये कसूरी मेथी, काली मिर्च और लाल मिर्च ये डाल दिए। अब हम इसमें एक चम्मच गरम मसाला, साथ में ये टमाटर प्यूरी, मीडियम साइज के टमाटर लेकर प्यूरी बना रही थी और डाल दी। अब पकने देंगे सबको। देखिए मसाला पक रहा है, चिकन पीसेस रखा है लगभग आधा किलो से ज्यादा ही है, तो इसको अब हम इसमें डाल देते हैं।